Hello friends, welcome to Knowledge Stairs. Today we are going to discuss the activities that are included in production. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक Knowledge Stairs को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। प्रोडक्शन, जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं प्रोडक्शन, हमारे जहन में आता है कि एक फैक्ट्री है, वहां पर कोई रॉ मटेरियल एज एन इनपुट डाला जा रहा है, अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वहां से एक फिनिश्ड गुड एज एन आउटपुट निकल के बाहर आ रहा है। बट प्रोडक्शन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फैक्ट्री, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। प्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग इससे कहीं ज्यादा बड़ा है एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज दैट आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन। चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द एक्टिविटीज दैट आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन वन बाय वन। सबसे पहला है चेंज ऑफ शेप। इफ यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ समथिंग सो दैट इट्स वैल्यू इंक्रीजेस, देन दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्शन। सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कारपेंटर। कारपेंटर क्या करता है, वुड होती है उसे काटता है, उसका फर्नीचर बनाता है, दरवाजे बनाता है, खिड़कियां बनाता है, टेबल चेयर बनाता है, सोफा बनाता है, वार्डरोब बनाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, उन दरवाजों की, खिड़कियों की, फर्नीचर की मेन कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रही। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो लकड़ी का है, वो लकड़ी की ही तरह हमेशा यूज होगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो जा रहा है और उस शेप के चेंज होने की वजह से उस लकड़ी की वैल्यू बढ़ जा रही है। अभी जब तक वो लकड़ी है तब तक उसका यूज इतना नहीं है, जब वो फर्नीचर बन जाती है, टेबल चेयर बन जाती है, वार्डरोब बन जाती है तो उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है। तो इस एक्टिविटी को हम इंक्लूड करेंगे प्रोडक्शन में। या फिर जैसे स्टोन, स्टोन को हम कट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं स्कल्पचर में, वो स्कल्पचर जब बन जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है अभी भी पत्थर का बना हुआ। तो वी आर नॉट चेंजिंग एनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थिंग, बट वी आर जस्ट चेंजिंग इट्स शेप सो दैट इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेस। कपड़ा है, काटते हैं, सूट बनाते हैं, यूटिलिटी बढ़ रही है। सो कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ना चेंज करके बट सिर्फ उसका शेप चेंज कर रहे हैं सो दैट इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेस, तो उस चीज को हम प्रोडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ अपीयरेंस। अब अगर किसी चीज का हम ना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहे हैं, ना हम उसका शेप चेंज कर रहे हैं, सिर्फ उसका लुक चेंज कर दे रहे हैं, सिर्फ उसका अपीयरेंस चेंज कर दे रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को भी हम प्रोडक्शन कहेंगे। जैसे कि फर्नीचर बन गया, फर्नीचर बन गया, अभी उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है, अगर हम उसमें पॉलिश कर दें तो वो चमकदार हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाएगी। घर बनता है, घर पे प्लास्टर होता है तब ग्रे कलर की दीवारें रहती हैं, उसके ऊपर हम व्हाइट वॉश कर दें तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसका यूजफुलनेस बढ़ जाती है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है किसी को। या हमारी शॉप है, हम उसका अपीयरेंस चेंज कर दें। सो कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारा लुक चेंज हो रहा है तो उस एक्टिविटी को भी हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के अंदर जोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ प्लेस। If anything is transported from a place where its price is low to another place where its price is high, then this change of place will also be called as a production. Like हम example ले सकते हैं salt का। Salt हमें कहाँ मिलता है, sea shore पे। Sea shore से हमने salt निकाला, salt factory तक पहुँचाया। So ये जो transportation की activity हुई ये भी include की जाएगी production में। या कोल हमने निकाला माइन से कोल निकालकर उस जगह तक, उन फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जहां पर कोल फैक्ट्रीज हैं, या हमने उन रेल इंजन तक पहुंचाया जो कोल से चलते हैं,
तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोसेस है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन. देन नेक्स्ट इज चेंज ऑफ टाइम. बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो जितना ज्यादा टाइम रखे रहते हैं उनकी यूटिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है. जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ राइस. चावल जितना पुराना होता है उसकी यूटिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसका टेस्ट उतना ज्यादा अच्छा हो जाता है. या फिर लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाइन. वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा वो कीमती हो जाती है, उतनी ज्यादा उसका टेस्ट इन्हांस कर जाता है. इसी वजह से जितनी पुरानी वाइन होगी उतनी ज्यादा महंगी होगी. सो हियर वी आर इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ वेयर हाउसेज अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. देन अदर मेथड. इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा काम है जिसमें हम जिस प्रोसेस से भी हम यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, देन दैट एक्टिविटी विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर प्रोडक्शन. लाइक अगर हम किसी चीज की पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव कर देते हैं, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोडक्शन. सब्जियां हैं, काट के खाना बना देते हैं, दैट विल ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर प्रोडक्शन. फ्लोर है, बेक करते हैं, केक बना देते हैं, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन. सो एनी एक्टिविटी ऑफ दिस वर्ल्ड वेयर वी आर टेकिंग आवर इनपुट, ट्रांसफॉर्मिंग इट एंड मेकिंग अ फाइनल प्रोडक्ट हूज वैल्यू बिकम्स मोर देन द वैल्यू ऑफ इनपुट, देन दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्शन. तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं. और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें. वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, गुड लक.